की मिली भगत बंद करो, प्रशासन की मिली भगत बंद करो, प्रशासन की मिली भगत बंद करो, प्रशासन की मिली भगत बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम जेएनके, मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय हम कठुआ के हटली मोड़ इलाके में हैं, जहां पर आपको बताया चक शेखों इलाके में हैं। यहां पर लोगों की ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं, हम जानने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो है ज़िला प्रशासन का दरवाज़ा इन्होंने कई बार खटखटाया, लेकिन इनकी मांगें जो हैं आज तक पूरी नहीं हो पाई। जानेंगे इनसे कि क्या समस्या है इनकी और क्या निजात आज तक इनको मिल पाया है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एस के बनारी है जी। तो मैं सर यही बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे समस्या जो 5 साल से जहाँ पे लोगों को वंचित रह रहे हैं, इस आधार पे क्योंकि उनका इंडस्ट्री का पानी जो केमिकल जहाँ पे लोगों के घर में जा रहा है, जो मवेशी मर रहे हैं और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, मगर प्रशासन से काफ़ी बार ये गुहार लगा चुके हैं, मगर प्रशासन इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि ये मिली भगत है प्रशासन की, और आपस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ PHE है, जहाँ इरीगेशन जो फ्लड कंट्रोल है उसकी है, और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो बोर्ड है उसकी है, 4-5 डिपार्टमेंट है जो आपस में मिली वक्त है, जो गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि गरीबों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचाई जा रही और ना ही सुनी जा रही है। काफ़ी बार ये प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं मगर नहीं सुनी जा रही। अब मैं मीडिया के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि बच्चे भी बीमार हैं, कुछ बच्चे जहाँ पे जो विकलांग हैं वो भी इसी माध्यम से जो जहाँ पे पॉपुलेशन है उसी के आधार पे जो बीमार पड़े हैं, बच्चे भी हैं, पशु भी हैं, वो मर गए हैं, और जो बुजुर्ग हमारे वो भी काफ़ी संख्या में। बुजुर्ग कहता हूँ कि जहाँ पर बिजली की समस्या भी काफ़ी है, और ऊपर से जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ऊपर गर्मी का मौसम है, बच्चे भी बीमार तो पड़ रहे हैं, और ये इस गंदगी के कारण जो वहाँ पे डेंगू का काफ़ी खतरा जहाँ पे मंडरा रहा है, और अगर मंडराया तो हम ये कहना चाहता हूँ इस प्रशासन से भी हम नाक में दम कर रहे हैं। अगर जहाँ पे कुछ ऐसा कोई वाक्य हमें देखने को मिला, हम बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से, कभी DC के पास के जाते हैं, कभी PHE के पास जा रहे हैं, कभी ACR के पास जा रहे हैं, तो इनकी आवाज़ आज तक नहीं सुनाई जा रही। हम यही कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इन्हीं आवाज़ को दबाया जाए और इनकी आवाज़ आगे तक लेके सुनी जाए। और जो गरीब तबके लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पे जो जनता है काफ़ी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ मजदूर तबके लोग हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, आगे तक बार बार प्रशासन से जाएंगे तो उनके बेचारे बच्चों को क्या क्या खिलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से इनको देखा जाए, कभी ताकि एक लोकतंत्र देश है, एक तो कहते हो आपकी तनख्वाह जो पूछे जाए तो कहते कोई 1 लाख रुपया, कोई 1.5 लाख रुपया, भाई किस बात की तनख्वाह लेते हो आप, ये तो हमें बताओ। 2 लाख रुपया तनख्वाह, 1.5 लाख रुपया, आप काम क्या करते हो सुबह से? अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसका एक पैनल होता है कि इस गांव में ऐसा जो भी मुश्किल है वो उसको नोट किया जाए। कौन सी फैक्ट्री लगी है ऊपर? सारे इंडस्ट्रियां, कम से कम 20-25 इंडस्ट्रियां। क्या देखते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की मिली भगत है? उसकी मिली भगत है, हम कहना चाहते हैं, और खुला माल खा रहे हैं ये। मैं ये कहता हूँ खुला माल खा रहे हैं आपस में, और इनकी बिल्डिंगे देखें जाए तो करोड़ों अरबों में ये जा रहे हैं। इनका बैलेंस चेक किया जाए तो अरबों में पैसा इनके खाते में पड़ा होगा, वो पैसा आया कहाँ से? ऐसे तो हमारे कहते हैं ED CBI ऐसे कहते हैं भी है डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट कहाँ से आया हो? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सही ढंग से काम करना है, अगर लोगों की समस्या हल करनी है, अगर गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, विभाग बनाए हैं, तो फिर इनकी समस्या हल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम यही कहना चाहते हैं इनके लोगों को, सभी माता बहनों को इकट्ठा करके, तो हम सड़क रोड बंद कर देंगे, और जितनी भी जिम्मेवारी होगी तो जिला प्रशासन की होगी, LG जो हमारे जम्मू कश्मीर के उनकी होगी। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो इनका पीने वाला पानी है आखिर वो, इन्होंने बताया कि यहाँ पर गंदा है, और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द जो है इसका निजात मिलना चाहिए। जी मतलब क्या ना थोड़ा के दिखते हो पानी पीने वाला आंदा सवेरे पानी पीने वाला आंदा हुन जेडी पाइपां टूटी नहीं होनी। हां जी, एहो पानी पाइपे जाना। अच्छा, अगे पीने से भी एहो जाना पानी, गंदा पानी जंदा सारा घरां च भी एहो पानी आंदा है। सानू पता नहीं भाई, तुसी आना ने ते ऐसे पानी एहो रखना है थोड़े वास्ते, फिर दसने की भई इस हालत है जेडे पानी दे। सुआ जेड़ा आंदा इदा भी बड़ी स्मेल है, की है स्मेल? ले जावे पहला पानी साफ आंदा है, नहर दा पहले साफ आ, उन्होंने फैक्ट्री दा पानी पिछे सुट्टे दा नहीं, जिल नहर दा भी पानी आना ते ए पानी विच मिलावट होनी है, सारी मिलावट है। हां जी, जहाँ तो बंद किया जाए ना फिर पानी साफ आता है। क्या मांग कर रहे हो? मांग ये भी बंद किया जाए पानी, बंद किया जाए, इतनी गंदगी च नहीं रहने दा, नहीं है डंगरे दे पीने बीमारियां होती हैं, ताण लाने ना पनीरियां लगा के ना लाने, पनीरियां नहीं लगन तो ताण ही होना ही नहीं इस पानी के, इन्हें तो नाई कितों खाना। सड़क बंद बिंदु पिछे पाई है रोड़ी, उन्हें
ਤੇ ਪੈਪਾਂ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਪੈਪਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਪ ਆ ਪਾਜੋ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੁੱਟੀ ਇਹੋ ਕੜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੀਆਂ ਇਹੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਦਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਸੜਕੇ ਨਾ ਤੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕ पानी चलता ठीक माहौल ठीक इन्हें कोई चार पांच साल के बाद मैं देखा कि पानी जरा इंडस्ट्री का पानी बिच मिलावट करिए गंदा पानी फैलाईता लोग बोलिया लोगों की ये बारे च कोई चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये कन्ने इन्नी स्मैल है ना कि तुहें इत्थों लंघी नहीं सकदे ते ये जेहड़े लोग हैं ये बेचारे गरीब तबके दे लोग हैं ते ये भी बेचारे सोचते कि हाँ किन्नी बारी बोलना क्योंकि साड़ी जेहड़ी कमेटी बनाई दी हाँ इत्थे डोगरा एकता मंच अरली मोड़ ते इहदे नाल हाँ पहले भी हाँ काफ़ी बारी प्रशासन आखी चुके कि इहदे बारे च कुछ ध्यान दिता जाए पर मी नहीं लगता कि प्रशासन ने इहदे बारे च कुछ सोचा है तो प्रशासन की खां बंद करिए सोचता तो उन्हें पैसे मिले करते मांग यही है कि गरीब के बारे लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए तो यहाँ पर आपने देखा स्थानीय लोगों ने कितनी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में यहाँ पर गुहार लगाएगी प्रशासन से जल्द जो है इनका जो सुआ है जहाँ पर जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनकी मिली भगत है और ताकि इन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है जो इनके खेतों में जा रहा है वो जल्द से जल्द उसे निजात मिले।